Hello and welcome to the Study Darbaar, the gateway to fulfill your dreams. This is Abhishek Tiwari and I'm here with a new video of the academic series that is Polity, Class 9, Chapter 2, What is Democracy and Why? Before starting the chapter, I would like to ask you kindly subscribe this channel and press the bell icon so that you'll get the latest notification from our channel. So, Chapter 2, What is Democracy and Why Democracy? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेमोक्रेसी क्या होते हैं. डेमोक्रेसी का एक सिंपल सी डेफिनेशन हर बच्चे के दिमाग में होती है. द डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, दैट इज़ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट किसके द्वारा बनेगी? सिटीजन्स के लिए, के द्वारा, उनसे ही. वॉट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. रूलर्स किसके द्वारा इलेक्ट होंगे? बाय द पीपल. और रूलर्स होंगे कौन? रूलर्स पीपल से ही होंगे. मतलब सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री हैव राइट टू बी द रिप्रेजेंटेटिव एंड टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव टू. इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. जो हमारे द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं उन्हीं के द्वारा फाइनल डिसीजन लिया जाता है. हम देखते हैं MPs, MLA, जो लेजिस्लेचर होता है. लेजिस्लेचर बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. एंड लोकसभा के मेंबर और कहीं नहीं, हम ही इलेक्ट करते हैं. मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग. डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं इट शुड बी फेयर एंड फ्री. फेयर एंड फ्री का मतलब होता है किसी भी इंसान के पास, जो सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री जिनको राइट है वोट देने का, उनके ऊपर कोई भी बर्डन प्रेशर नहीं होता कि आपको इसी को वोट देना है. That is known as free and fair election. उसके लिए एक particular institution है, वो आगे हम पढ़ेंगे कौन सी. Each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. हर adult citizen के पास एक vote होना चाहिए और हर vote का value equal होना चाहिए. इसका मतलब है आप सऊदी अरेबिया जाएंगे, सऊदी अरेबिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर आज भी जो इलेक्शन होते हैं वो आपको पार्शलिटी झलकेगी. पार्शलिटी किस में? लोगों में. किसी को हमने ज़्यादा पार दिए हैं. वहाँ पे मैन हैव द पावर, वोटिंग पावर इक्वल टू टू वीमेन. दो वीमेन की जो वोटिंग पावर होती है वो एक मैन के इक्वल होती है. लेकिन जब हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में हर इंसान के पास एक वोट होता है और उस वोट का वैल्यू इक्वल होता है. डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ. जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था डेमोक्रेसी इज़ गुड. आई से दिस बिकॉज अदर सिस्टम्स आर वर्स. मतलब डेमोक्रेसी के अलावा बहुत सारे और सिस्टम्स भी हैं. वो सिस्टम्स कौन से हैं? हमें पता है मोनार्की और हेरिडिटरी गवर्नमेंट जहाँ पे होती है, जहाँ किंग होता है, क्वीन होती है. दूसरा होता है डिक्टेटरशिप. तीसरा होता है सिंगल पार्टी सिस्टम. एंड चौथा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम. एंड वन मोर इज ऑल्सो देयर जिसे लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन वो है, दैट इज़ ड्यूअल पार्टी सिस्टम. वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, मोनार्की सिस्टम एंड द डिक्टेटरशिप. सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि उन्हें सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगा था, दैट इज़ डेमोक्रेसी. सच अ डाइवर्स कल्चर एज इंडिया पजेसिस कुड ओनली बी प्रिजर्व्ड इन अ सेट अप दिस इज ट्रूली डेमोक्रेटिक. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पहला मोनार्क, दैट इज रूल ऑफ द किंग, क्वीन और एन एम्परर. इट जनरली पास द रूल टू द फैमिली ऑफ द कंट्री फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड विद इन. सेकेंड होता है डिक्टेटर. डिक्टेटरशिप बेसिकली हम देखते हैं डिक्टेटर वही बनता है जो आर्मी को बिलोंग करता है, बिकॉज आर्मी इज़ द मेन पावर ऑफ दैट एनी कंट्री. किसी भी कंट्री की जो मेन पावर होती है वो उसकी आर्मी होती है, और आर्मी का जो हेड होता है, कमांडेंट होता है, वही डिक्टेटर बन सकता है. हमने आज तक यही देखा है मैक्सिमम. हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे हम जिम ऑन, दैट इज़ द डिक्टेटर ऑफ नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन. फाइन. थर्ड इज वन पार्टी रूल, रूल ऑफ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी. एंड फोर्थ एक और है, इसमें लिया नहीं है, टू पार्टी सिस्टम और टू पार्टी रूल. एंड इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पर होती है मल्टी पार्टी सिस्टम. ये सारी डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे, मोनार्की, मोनार्की की जब हम बात करते हैं, मोनार्की में द डिसीजन आर फास्ट, वी कैन सी, बिकॉज ऑल द पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ किंग और क्वीन. लेकिन वहाँ पे एक, फॉर एग्जांपल अशोका द ग्रेट,
जब हम बात करते हैं अकबर की, जब हम बात करते हैं शाहजहां की, जब हम बात करते हैं औरंगजेब की, ये सारे बहुत बड़े बड़े रूलर्स थे जो इंडिया में थे एट दैट पर्टिकुलर टाइम. लेकिन औरंगजेब, जब मुगल्स का फॉल जब हम पढ़ते हैं तो औरंगजेब के बाद जो बाकी के बादशाह बने थे वो उतने कैपेबल नहीं थे कि अपने देश को संभाल पाएँ. एंड औरंगजेब के बाद ही हमने देखा कि भारत में जो यूरोपियंस का आगमन हुआ था और यूरोपियन ने जो आने वाले 200 साल तक राज किया है वो कहीं ना कहीं इन राजाओं की निकम्मी हरकतों के कारण था. गेटिंग? तो मोनार्की हमेशा सही हो ज़रूरी नहीं है. मोनार्की में जो डिसीजन लिए जाते हैं दे आर टेकन बाय वन पर्सन, दैट इज़ द किंग. किंग किससे पूछता है? सिर्फ अपने मंत्रियों से, जो मंत्री वहीं उसी आसपास होते हैं, उसके साथ के होते हैं. वो पूरे देश को नहीं देख सकते. मोनार्की सिस्टम इज़ गुड फॉर द कंट्री विच इज़ एज स्मॉल एज वी कैन से गोवा. गोवा जैसी जगह के लिए अगर मोनार्की सिस्टम करें वो बहुत अच्छा है, वहाँ चल सकता है. लेकिन इंडिया, द कंट्री लाइक इंडिया वेयर द पीपल आर डाइवर्स, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, इस टाइप के लोग अगर भारत में रहते हैं और यहाँ पर अगर आप किंग्स मोनार्की सिस्टम लागू करते हैं तो मोनार्की सिस्टम हर जगह इक्वली वैलिड नहीं है. सेम एज द डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर इज ऑल्सो डिक्टेटर जो उसके पास पावर है, रूल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे ही कहानी है डिक्टेटरशिप की. फाइन, तो एक अकेला बंदा पूरे के पूरे देश को कैसे देखेगा? अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम द डिक्टेटर ऑफ दिस कंट्री इंडिया, इंडिया का अगर मुझे राजा बना दिया जाए और मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, तो मुझे तमिलनाडु की कंडीशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा, वहाँ के कल्चर के बारे में नहीं पता होगा, मुझे मध्य प्रदेश के बारे में नहीं पता होगा, मुझे कोलकाता के बारे में नहीं पता होगा, मुझे राजस्थान के बारे में नहीं पता होगा उतना ज़्यादा डिटेल में. तो मैं कोई भी डिसीज़न लूँगा वो डिसीज़न मेरे हमेशा किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे? राजस्थान, जहाँ मैं रहता हूँ, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन हो सकता है जम्मू कश्मीर में जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, तमिलनाडु में गर्मी हो, राजस्थान में गर्मी हो, और मैंने वहाँ छुट्टी दे दी, यहाँ तो भाई गर्मी है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो थर्ड इज़ वन पार्टी सिस्टम. जब वन पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो बोल दिया पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब पीपल हैव राइट टू वोट. लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन ही होती है व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड हु ऑल हैव द सेम एजेंडा. सबका एजेंडा क्या होता है? एक ही होता है. अब एक ही एजेंडे की किसी टीम से किसी पॉलिटिकल पार्टी के 10 लोगों को खड़े करोगे, 10 के एजेंडेज क्या हैं, सेम 10 की वर्किंग क्या होगी, सेम 10 के जो पॉलिसी मेकिंग होंगी वो कैसी होंगी, सेम होगी. अब मुझे एक एक्स को बनाऊं या वाई को बनाऊं, फाइनली मुझे डिसीजन तो वही मिलेंगे, पॉलिसीज मेरे लिए वही बनाई जाएंगी. तो सिंगल पार्टी सिस्टम इज़ नथिंग बट ये एक तरीका खिलवाड़ है जो शो करता है कि हमारा देश डेमोक्रेसी है, बट डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है. सेकेंड, टू पार्टी सिस्टम. सिंगल पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है आपके सामने देखने को मिलता है चाइना. टू पार्टी सिस्टम, ड्यूअल पार्टी सिस्टम जो कि यूएसए में आपको देखने मिलता है, दो पार्टीज होती हैं, एक तरफ बुश खड़े थे. जैसे फॉर एग्जांपल दिस ईयर अगर मैं इस इलेक्शन की बात करूं जो अभी हुआ था जिसमें ट्रंप साहब बने हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, तो उनके सामने थी हिलेरी क्लिंटन. इन दोनों के अलावा आपने तीसरा नाम ही सुना होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर ड्यूअल पार्टी सिस्टम है, दो ही पार्टी है तो दो ही लोग खड़े होंगे फॉर द प्रेसिडेंशियल सीट. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इंडिया. इंडिया में जब हम देखते हैं देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम. अब मल्टी पार्टी सिस्टम के खुद में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं और खुद में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं. इंडिया, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इंडिया इज़ अ होम टू ओवर 1.2 बिलियन पीपल. विद अ बिलियन पीपल द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद अ पॉपुलेशन नियरली 4 टाइम्स दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. इंडिया मॉडल्ड इट्स गवर्नमेंट ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम with a healthy dose of influences from the United States and the rest of the Europe. जो भारत का संविधान बनाया गया था, वी ऑल नो भारत के संविधान बनाने के पहले भारत के संविधान बनाने वाले लोग, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उन लोगों ने विश्व में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन को एकत्रित करके पढ़ा था. उनसे पढ़ने के बाद वहाँ से जो जो चीज़ें अच्छी लगी थी वो सारी चीज़ हमने ली हैं. एंड हम देखते हैं वी आर फॉलोइंग द मल्टी पार्टी सिस्टम. You can say more the number of political party deepens the democracy. इसका सीधा मतलब है जितनी ज़्यादा political party आपके देश में है उतना ज़्यादा दर्शाता है कि आपके देश में democracy उतनी ज़्यादा गहरी है. मतलब क्यों? Because हमें पता है democracy means the government is made by the people and for the people. और government जो भी बनाई जाती है वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, we can say. लेकिन हमें ये भी पता है in democracy we all have right. Then that we can register or we can also nominate our own name to be the representative. हम खुद का नाम भी डाल सकते हैं representative बनने के लिए.
हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ भी करते हैं और हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद को बना भी सकते हैं। हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद को कैसे बनाएंगे? जब तक हमारे पास पार्टी ना हो, पार्टी का सिंबल ना हो, मतलब वी आर फ्री टू फाइट इलेक्शन, मतलब इलेक्शन में हम खड़े हो सकते हैं, और खड़े होने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है। सो इंडिया में हम देखते हैं कोई भी इंसान, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल साथ में मिलते हैं और अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। और इंडिया में बहुत 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 ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। डन। डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सोशल वैल्यूज़। बहुत कुछ सोशल वैल्यूज़ हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं डेमोक्रेसी दिखता है। फर्स्ट, फ्रीडम। वी ऑल नो इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर हर इंसान के पास फ्रीडम है। किस चीज़ की? अपने विचारों को सामने प्रस्तुत करने के, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, वोट देने के लिए, हर चीज़ के लिए आपके पास फ्रीडम है। इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के सामने सारे लोग जो होते हैं वो सारे सिर्फ एक ही नाम से जाने जाते हैं, दैट द सिटीजन ऑफ इंडिया। फ्रेटर्निटी। सोशल जस्टिस, फंडामेंटल राइट जो हर किसी इंसान को मिला है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी। व्हाई डेमोक्रेसी इज नोन एज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों डेमोक्रेसी को हम बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं? सर्कमस्टांसेस दैट पुट दीज वैल्यूज इनटू प्रैक्टिस। फर्स्ट, ऑल गेट्स अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली इन इंडिया ऑल गेट्स अपॉर्चुनिटी। डेमोक्रेसी में हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो खुद भी रिप्रेजेंटेटिव के लिए अपना नाम दे सके, और साथ में वो अपने हिसाब से लोगों को चुन भी सकते हैं। सेकेंड, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें वोट देना है, और हमें वोट उसे ही देना जो हमारे देश को अच्छे से चला सके। ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड फ्रीली। हर इंसान के पास राइट है, हर इंसान के पास फ्रीडम है कि वो अपने ओपिनियन को शेयर कर सके। न्यूज़पेपर, मीडिया, वी ऑल सी, मीडिया को कहीं से रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। हमारे आर्टिकल 19A में लिखा दिया हुआ है दैट इट इज़ फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस को भी फ्रीडम है कि वो अपनी बातें सामने रख सकते हैं। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मीडिया, हर जगह आप देखते हो जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। दे कैन पुट देयर व्यूज बट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट दी कंट्री। दी गवर्नमेंट कैन बी राइट बट अगेंस्ट दी कंट्री। भारत के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, भारत की गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोल सकते हो दैट दीज पॉलिसीज आर नॉट गुड। रिस्पेक्ट द ओपिनियंस ऑफ अदर। डेमोक्रेसी इज द कंट्री वेयर वी रिस्पेक्ट द ओपिनियंस ऑफ अदर। हमारे यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं करती किसी ने उनके खिलाफ कुछ बोला तो उनको जाके मार दो, उनको सजा दे दो, वो उनके ओपिनियन को सुनती है। दैट इज़ दे आर रिस्पेक्टिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर। एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी। ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेसी इज द कंट्री, डेमोक्रेसी इज द सिस्टम जहाँ पे हम रिस्पेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी। हम देखते हैं लोकसभा में, हम देखते हैं राज्यसभा में, जब भी वहाँ पे कोई बिल पास होता है तो वहाँ पे मेजॉरिटी देखी जाती है। मोर देन 50% अगर मेजॉरिटी में कोई बिल पास होता है तो उसे पास कर दिया जाता है बाय दैट हाउस। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में देखते हैं मेजॉरिटी में जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है वो पॉलिटिकल पार्टी ही रूलिंग पार्टी कहलाती है। एंश्योर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। वी एंश्योर दैट पीपल्स आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग। एवरी वन वॉन्ट्स फॉर हिज एंड हर टर्न। जितने भी लोग होते हैं वो वेट करते हैं अपना खुद के टर्न के लिए। मीन्स पहले बाकियों को बोलने दो, देन दे विल गेट द चांस to speak, to express their own views. It is only there in democracy. अगर democracy नहीं है तो ये सारी चीज़ fulfill होंगी ही नहीं। Representative democracy. अब ये शब्द क्या होता है representative democracy? India follows representative democracy, जहाँ पे democracy पूरे के पूरे 1.2 people cannot take the decision ना, कि हम सारे लोग को एक साथ बैठा दें कैसे ग्राउंड में 1.2 billion people को, और उनसे बोलें कि चलो इस मुद्दे पे बहस करते हैं, चलो ये बिल पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ बोलने में अच्छा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी फीजिबल। अगर हम बात करते हैं एक घर, फॉर एग्जांपल वी हैव टू टेक द डिसीजन, अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हमारे घर में मेंबर हैं फॉर एग्जांपल 10 people, तो 10 लोग एक साथ सुबह चाय पीते हुए बात कर सकते हैं कि भैया आज ये बनेगा, आज यहां ये काम किया जाएगा, ये तुम काम करना है, ये कर देंगे। इट कैन बी पॉसिबल जब लोग कम हों, जब लोग 10, 50, 100 हों तब हम ये चीज़ें कर सकते हैं, 500 हो, 1000 हो तो हम कर सकते हैं। बट द कंट्री लाइक इंडिया, द डाइवर्स कंट्री जहाँ पे 1.2 बिलियन पीपल रिसाइड करते हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि रोज़ या किसी भी डिसीजन में हम सारे लोगों की सहमति एक साथ ले सकें। तो यहाँ पे वर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है वी द पीपल, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और सामने बैठाते हैं और वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। उनका जो डिसीजन होता है हम मानते हैं वो डिसीजन हमारा है। क्यों? क्योंकि उन्हें हमने बैठाया है, like MPs and MLAs, the legislature and the
parliamentary. The parliamentary form of government or the legislative form of government, this is called the representative democracy. Main features क्या होते हैं? Rule by the representative of the people. Rule किसके द्वारा किया जाता है? उनके द्वारा जिनको हमने बिठाला है. MLAs, MPs, आप देखते हो इनकी पहुंच इसलिए सबसे ऊपर होते हैं. हम बोलते हैं सबसे ऊपर आते हैं permanent temporary executive. Temporary executive are nothing but the ministers जिसको हमने बिठाला है. Permanent executive are the bureaucrats जो खुद की दम पे exam qualify करने के बाद वहाँ बैठे हैं. Basically they are capable. वही ज़्यादा लायक हैं कि वो वहाँ बैठे हैं. लेकिन हमें पता है वी आर लिविंग इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जहाँ पर जनता को ही सर्वोपरि माना है, सबसे ऊपर माना है. तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव उसके ऊपर होता है. गेटिंग रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल फर्स्ट पॉइंट. सेकंड एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म. डेफिनेट रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म मतलब इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल एलिजिबल सिटीजन वोट ऑन रिप्रेजेंटेटिव टू पास लॉ फॉर दैम. मतलब हमारे लिए रूल कौन बनाएगा, हमारे लिए लॉ कौन बनाएगा, उस वो हम खुद चुनेंगे. हम कब खुद चुनेंगे? जब हमारे पास राइट होगा टू वोट. मतलब हम अपने वोट के द्वारा अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. वो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा है वो हमारे लिए ही लॉ बनाता है. गेटिंग एग्जाम्पल US वेयर वी इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस. फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो द इंडिया वेयर वी इलेक्ट आर प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स and indirectly we elect a president too. Periodic election after interval of 5 years generally there are election in India. India में हम देखते हैं हमेशा election होते रहते हैं. election कब होते हैं? अगर हम बात करते हैं legislature की, अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो हर 5 साल के interval में election होते हैं. getting general election and a by-election. अब ये word क्या होता है? पहले आता है जनरल इलेक्शन, दूसरा वर्ड है बाय इलेक्शन. द मीनिंग ऑफ जनरल इलेक्शन जब पूरी की पूरी फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा, लोकसभा के इलेक्शन जब हम देखते हैं देयर आर टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा. इन इंडिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा कैन बी 552. 552 सीट्स हो सकती हैं. लेकिन एट प्रेजेंट देयर आर 445 सीट्स आउट ऑफ विच इन 443 सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली जो पार्लियामेंट है हमारी लोकसभा उसके इलेक्शन होते हैं. और वो जब सारे एक साथ इलेक्शन होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसे हम कहते हैं जनरल इलेक्शन. जैसे 2018 में हुए थे जिसमें 2019 में हुए थे जिसमें हमारे प्रिय मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को फिर से प्राइम मिनिस्टर चुना गया. तो वो इलेक्शन जब एक बार में होते हैं उसे हम कहते हैं जनरल इलेक्शन. मैंने अभी बोला 543 सीट्स, मतलब दो सीट्स और, वो दो सीट्स कहाँ जाएंगी? तो वो दो सीट्स जो होती हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसे हम कहते हैं एंग्लो इंडियन. वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे. ठीक है. सेकंड होता है बाय इलेक्शन. बाय इलेक्शन क्या होता है? जनरल इलेक्शन होने के बाद कुछ सीट्स वेकेंट हो जाती रह जाती हैं. कैसे वेकेंट रह जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने पिछले इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में देखा होगा नरेंद्र मोदी जी दो जगह से खड़े थे. वन इज़ फ्रॉम वाराणसी एंड सेकेंड इज़ फ्रॉम गांधीनगर. दो जगह से खड़े थे जहाँ से उन्होंने एक सीट को जीतने, भाई एक कोई इंसान अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो एक सीट पर बैठेगा ना, ऐसा तो नहीं होता आधा सीट पर बैठ जाएगा आधा दूसरी सीट पर बैठ जाएगा. लेकिन मेरे नाम पे सीट्स कितनी रजिस्टर्ड हैं? दो हैं, एक गांधीनगर की दूसरी वाराणसी की. तो ऑब्वियसली बात है मेरे को एक सीट पर अपना रेजिग्नेशन देना होगा, तो एक सीट हो जाएगी वैकेंट. तो मोदी जी ने देखा होगा वाराणसी की सीट एक्सेप्ट की थी एंड गांधीनगर की सीट छोड़ दी थी. तो वो गांधीनगर की सीट पर री इलेक्शन जो हुआ था उसी री इलेक्शन को कहते हैं बाय इलेक्शन. वो जगह वेकेंट हो गई थी. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई MLA MP बन गया, पार्लियामेंट में कोई MP बन गया और उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद वो सीट क्या होती है? वेकेंट हो जाती है. तो ऐसा नहीं है कि उसके उत्तराधिकारी उसके बच्चे को दे देंगे. उधर पर फिर से इलेक्शन होते हैं और उसी इलेक्शन को कहते हैं बाय इलेक्शन. गेटिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो सबके एक साथ होते हैं, बाय इलेक्शन जो सीट्स वेकेंट हो जाती हैं उन सीट पर री इलेक्शन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाय इलेक्शन. देन पॉलिटिकल पार्टी कम्पीट फॉर पॉलिटिकल अथॉरिटी. देर आर सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज जो कम्पीट करती हैं कि हमें पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ मिले. पॉलिटिकल पार्टीज़ ये होती हैं जिनके पास राइट्स होता है कि वो इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे. इलेक्शन पार्टिसिपेट करने के बाद, जीतने के बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में आएंगे टू बी द मिनिस्टर्स, टू बी द MLAs, MPs. Existence of interest and pressure groups. Interest and pressure group. A group that does not put up candidate for election but seeks to influence government policies or legislation, they can also be described as interest group, lobby groups or protest groups. एक और नया नाम आता है pressure groups और interest group. Pressure group and interest group are nothing.
they are same as political party, लेकिन सिर्फ the only difference is ये कभी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. मीन्स दे डोंट वॉन्ट टू बी इन पॉलिटिक्स और दे डोंट वॉन्ट टू बी इन गवर्नमेंट, बट दे यूज टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का काम प्रेशर ग्रुप्स का होता है. आप देखते हो मोर्चे निकाल लेते हैं, कोई भी डिसीजन लिया गया है बाय द गवर्नमेंट, मोर्चे निकाल दिए, धरने दे दिए, कैंडल लेके निकल गए. दीज ऑल थिंग्स आर डन बाय द प्रेशर ग्रुप्स ओनली. अन्ना हजारे इज नथिंग बट अ प्रेशर ग्रुप मेंबर. फाइन. प्रैक्टिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज अ सिस्टम जिसमें कहा जाता है कि किसी भी देश का सिटीजन्स जो कि एडल्ट है, एडल्ट की एज आप निर्धारित करते हैं कि उस एज उस फ्रेंचाइज के लोग उतने ही लोग वोटिंग दे सकते हैं. जैसे इंडिया में प्रीवियसली इट वॉज 21 ईयर, बाद में इसे कर दिया गया 18 साल. आर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स यूनिवर्सल एडल्ट. अब क्या होता है फ्रेंचाइज टू ऑल सिटीजन. Election to the Lok Sabha, the state legislature and to the three tier of Gram Panchayat were held on the basis of universal adult franchise. In India, every adult citizen, irrespective of caste, religion or sex, enjoy equal right to vote. The age of voting right was changed from 21 years to 18 years as per the 61st amendment of the constitution in 1988 mein constitutional amendment kiya tha. Kitne number ka? 61st amendment. Amendment ka matlab hota changes in the constitution. 61st amendment mein jo ki 1988 mein hua tha, usme jo adult franchise ki age thi 21 se ghata ke 18 kar di gayi. Political party. Party system is inevitable for the existence of democratic system. Political parties are the social factors that enlighten, represent and protest the people in a representative democracy. Political party kya hoti hai? Abhi maine bataya, when a group of people come together who have the same agenda and want to be in the government, for that they used to be in election. Fine. There are two types of parties. पहला होता है ruling party, दूसरा होता है opposition party. Ruling parties are the political party जो election में participate करने के बाद maximum seats पर अपना कब्जा कर लेती है. We can say in the Lok Sabha there are 545 seats out of which 543 seats पर election होता है. उसका जब हम 50% करते हैं, 50% seats से ज़्यादा किसी एक political party को मिलती है तो उसे हम कहते हैं ruling party. रूलिंग पार्टी के अलावा हम बोल सकते हैं अलायंस, रूलिंग अलायंस, अलायंस ऑफ द पार्टीज. इसका मतलब होता है जब एक पॉलिटिकल पार्टी इस काबिल नहीं होती कि मोर देन 50% सीट्स मिल पाए, तो हम क्या करते हैं, दो तीन पॉलिटिकल पार्टी मिलके 50% से ज़्यादा सीट्स का रिकॉर्ड शो करती हैं और उस हिसाब से एक रूलिंग अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है. हु गेट मेजॉरिटी सीट्स इन इलेक्शन शैल कम इन टू पावर. दैट पार्टी और अलायंस ऑफ पार्टीज who fail to attain majority of seats in the election are destined to perform the role of opposition. And दूसरी जो बाकी की parties होती हैं उसे कहते हैं opposition party. भाई 10 political party है, 10 political party ने, दो political party ने मिलकर more than 50% seats अपना show कर दिया. उन दो political party को बोल देते हैं alliance. और ये दोनों alliance जो होंगी ruling parties कहलाएंगी. इसके अलावा की जो 8 political party है इनको हम कहेंगे opposition political party. The important duties and responsibilities of the opposition. क्या होंगी भाई, opposition का role बहुत अहम होता है. देखें अगर opposition political party नहीं है, अगर आपकी class में आपके साथ में अगर आप देखते हैं, अब आप किसी एक चीज़ पर कुछ बोल रहे हैं, आप continuously बोलते जा रहे हैं, आपके fact कुछ सही हैं कुछ गलत हैं लेकिन आप बोलते जा रहे हैं, सामने सुनने वाले बस सुन रहे हैं, तो आप जो कुछ कहोगे वो सब सही होगा. परंतु किंतु सामने अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपके बराबर टक्कर का है, जिसके पास भी नॉलेज है और उसके पास भी हक है कि वो आपको अगेंस्ट में कुछ बोल सके, तो आप अपनी बातें सोच समझ कर बोलेंगे. आप जो भी चीज़ बोलेंगे उस पर पहले सोचेंगे. क्यों? क्योंकि आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए एक सामने बंदा बैठा हुआ है जो आपको हर घड़ी क्रिटिसाइज़ करेगा. वो मौका ही ढूंढ रहा है कि आप क्या गलत करो, मैं काम कर दूँ. दिस इज़ वॉट द रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी. अपोजिशन पार्टी का सबसे अहम रोल होता है रूलिंग पार्टी जो भी अपने डिसीजन ले रही है वो काम बहुत अच्छे से करे जिसमें लोगों का फायदा हो. क्योंकि अगर इसमें लोगों का घाटा होगा तो अपोजिशन पार्टी वहाँ खड़ी होगी और लोगों को बताएगी इनको आपने चुना था, दे आर डूइंग सम मिस्चीवियस थिंग्स. सो अगले पाँच साल के बाद जो फिर से इलेक्शन होंगे उसमें
खतरा हो जाएगा उस रूलिंग पार्टी को कि अगले बार वो फिर से जीत के नहीं आएंगे, एंड ऑपोजिशन पार्टी विल गेट द चांस टू विन दैट इलेक्शन. सो टू अपोज द डेस्पोटिक टेंडेंसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी, डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश शासक, आपके देश में डिक्टेटरशिप जैसी चीज़ें ना चालू हो, आपके देश में मोनार्की सिस्टम जैसी चीज़ें चालू ना हो, क्योंकि मोनार्की और डिक्टेटर में हमें पता है वो जो ऊपर बैठा होता है किंग और क्वीन और द डिक्टेटर, वो जो बोलता है वही सही है. बट यहाँ पे अपोजिशन पार्टी है जो उसको हमेशा क्या करती है, रोकती है, उसको टोकती है, उसकी बात को क्रिटिसाइज करती है. टू क्रिटिसाइज द ड्रॉबैक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपोज दैम बिफोर द पब्लिक, टू अपोज द मिस डीड्स ऑफ द रूलर्स एंड जनरेट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट दैम, टू इवॉल्व सब्स्टिट्यूट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज इन द रियल ऑफ गवर्नेंस, इन द रियल ऑफ गवर्नेंस, टू इम्पार्ट पोलिटिकल एनलाइटमेंट ऑफ द पीपल, लोगों को जागरूक भी करने का काम कौन करता है, ऑपोजिशन पार्टी. द इलेक्शन कमीशन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इलेक्शन कमीशन इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी. इलेक्शन कमीशन में बेसिकली इट्स कंप्राइजेज ऑफ 3 मेंबर, जिसको हम बोलते हैं जब सबसे ऊपर होता है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अलावा 2 और होते हैं, यू कैन से हिज और हर असिस्टेंट जिसे कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स. पहला होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर. इनकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट. देन आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पीपल, इसको हटाने का बिल्कुल भी प्रोसीजर नहीं है कि इनको हटाया जा सकता है. दे आर द इंडिपेंडेंट पार्ट. इलेक्शन हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द डेमोक्रेटिक सेटअप. इलेक्शन कमिश्नर कमीशन इज अ एजेंसी टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट एंड डिसपैशनेट इलेक्शन इन इंडिया. द इलेक्शन कमीशन shall consist of a chief election commissioner and as many election commissioner as decided by the president of India from time to time. अभी हम देखते हैं तो 2 हैं. इनका काम क्या होता है, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर से कंडक्ट कराना. अगर इनको लगता है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इलेक्शन हुए हैं लेकिन वो फ्री एंड फेयर मैनर से नहीं हुए, तो वहाँ के इलेक्शन वो रद्द करके वहाँ बाय इलेक्शन करवा सकते हैं या फिर से री इलेक्शन करा सकते हैं. दिस द पावर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, इलेक्शन कमीशन ही होती है जो पोलिटिकल पार्टी को ऑथराइज करती है कि ये यूनियन सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी है या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है. थैंक यू ऑल गाइस फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली. आई होप इट विल क्लियर योर डाउट. अगर कोई भी इसमें दुविधा आती है जो आपसे नहीं बन रहा है, यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स और यू कैन डीएम मी. थैंक यू. टिल देन बी यू. थैंक यू.